मैडम रेडी ना? बात कर मैडम। हेलो हो प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आप अच्छे हो ना? ओके, मैं हेमा संजय बावधनकर, सरदार नगर मनपा मराठी शाला क्रमांक 2, और मेरी सहपाठी श्रीमती तनुजा राजीव आचार्य, नाड़कर्णी पार्क मनपा मराठी शाला क्रमांक 4, बृहन मुंबई महानगर पालिका। स्कूल बंद फिर भी पढ़ाई शुरू। इस उपक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन हिंदी की 7वीं कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो माइक चालू करा। माइक टीचर, तुमचा माइक बंद। इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। तो इसका मतलब है बच्चों, अनेकता में एकता ही भारत देश की अखंड पहचान है, जो इसे विश्व के अन्य देशों से अलग बनाती है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग आपस में प्रेम, भाईचारे और भाषा का आदर करते हैं, एक दूसरे को प्यार से अपनाते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, जो कि अपने आप में अद्वितीय और अनूठी है। इसीलिए भारतीय संस्कृति की मिसाल विश्व भर में दी जाती है। देखिए बच्चों, पिछले बुधवार को आचार्य मैडम ने आपको खोजबीन में सूर्य ग्रहण के प्रकार, सूर्य ग्रहण के समय पशु पक्षी के वर्तन परिवर्तन के बारे में उपयुक्त जानकारी दी थी। बच्चों, आज हम एक देशभक्ति पर कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है हम चलते सीना तान के। देखिए बच्चों, आपको यहाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? फौजी, देश देश हाँ, सिपाही दिखाई दे रहे हैं, और उनके हाथ में क्या है? बंदूक। हमारा देश का रहा है और तिरंगा। हमारा, हाँ, तिरंगा भी उनके हाथ में है। तो अब इसका मत देखिए, कविता का नाम क्या है? हम चलते सीना तान के, यानी जो हमारे सैनिक है वह गर्व से सीना तान कर चलते हैं। और इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चों, अब हम इनके बारे में जानकारी सुनते हैं। जैसा मेरा चालू होता है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था।
अब इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। उन्होंने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और फिर 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और फिर उसके बाद वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद उनकी भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हुई। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले उन्हें दो चट्टाने यह कविता संग्रह है के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। हरिवंश राय बच्चन जी का 18 जनवरी 2003 में मुंबई में निधन हो गया था। बच्चों अब आगे देखते हैं उनकी रचनाएं। उनकी रचनाएं है मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, विकल विश्व, खादी के फूल, सूती माला, मिलन, दो चट्टाने, आरती और अंगारे, क्या भूलू क्या याद करूं, दस द्वार से सोपान तक, नीड का निर्माण फिर आदि। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। वह हिंदी भाषा को विशेष महत्व और सम्मान देते थे। अपनी मातृभाषा का वे प्रचार और प्रसार करते थे। 20वीं सदी के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को नवीनतम और सुप्रसिद्ध कवि होने का खिताब दिया गया था। वे साहित्य जगत में अविस्मरणीय योगदान देने के अतिरिक्त देश की आजादी के लड़ाई में भी शामिल हुए थे। हिंदी फिल्म जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ बच्चों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के ही सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी है। देखिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे जो भारतीय सशस्त्र सेना के तीन विभाग है, हाँ, तो इसमें पहले है भारतीय स्थल सेना, दूसरा है भारतीय वायु सेना और तीसरा है भारतीय नौसेना। अभी जो ये तीनों दल है जो अपने सीमाओं पर, भारत देश की सीमाओं पर कड़ा और सख्त पहरा दिन रात देते रहते हैं बच्चों, इसीलिए हम अपने घर में सुरक्षित हैं और रात को सुखी नींद लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र की बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाव और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। दूसरा है हमारा भारतीय वायुसेना। सभी खतरों से भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, सशस्त्र बलों की और
तीसरा है अन्य शाखाओं के साथ संयोजन के रूप में भारतीय क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य, और तीसरा है भारतीय नौसेना। नौसेना का उद्देश्य सैनिक और वाणिज्य की दृष्टि से समृद्धि मार्ग का नियंत्रण करना है। नौसेना ऐसा साधन है जिससे राष्ट्र समुद्र के उपयोग पर अपना अधिकार तो रखते हैं, परंतु शत्रु को इस उपयोग से वंचित रखते हैं। साथ ही न केवल भारतीय सामुद्रिक सीमाओं, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के भी रक्षक है। तो बच्चों, अभी इस कविता के माध्यम से कवि जी ने हमें समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को बताया है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, फिर चाहे हमारी भाषा, धर्म, जाति अलग हो या हम कोई भी प्रदेश से हो, लेकिन हम सब एक हैं। हम सब एकजुट होकर हमारे देश गौरव और सम्मान की रक्षा करेंगे। इस कविता से वे हमें एकता और भारत की अखंडता का संदेश देते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर, और कविता का नाम है हम चलते सीना तान के। देखिए बच्चों, अब हम पंक्तियां पढ़ते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं पर्वत सागर तट वन मधुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, वर्ण याने रंग, तट याने किनारा, वन याने जंगल, मरुस्थल याने रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब पता है बच्चों आपको? रेगिस्तान का मतलब क्या? हाँ टीचर, जहाँ सिर्फ रेती पाई जाती है। हाँ, रेती पाई जाती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वहाँ पे पानी भी नहीं मिलता टीचर। हाँ सही बात है। हाँ तो जैसे राजस्थान है ना हमारे यहाँ पे, हाँ तो वो रेगिस्तान में है। फौजी याने सैनिक, और वर्दी याने सैनिकों का गणवेश, और सीना तान कर चलना याने गर्व से चलना। कवि सैनिकों के माध्यम से कह रहे हैं हमारे धर्म अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो कोई क्रिश्चियन है, हमारी जातियां अलग है, हमारे रंग रूप अलग है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं, कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है तो कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, तो कोई वनों से आया है, तो कोई रेगिस्तान से आया है, तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है। लेकिन जब हम सैनिक भारतीय सेना की वर्दी पहनते हैं तो हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करते हैं, और हम भारत माता के बेटे हैं, गर्व से सीना तान कर चलते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियां देखते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसके रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए बच्चों,
रजकन याने खुलीकर, ममता याने प्यार, समता याने समानता, कोई भेदभाव नहीं हो, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ना छोटा बड़ा, इस तरह का। एहसान याने उपकार। अभी यहाँ कवि सैनिकों से माध्यम से कहते हैं, अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में बड़े प्यार से समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। माटी यानी मिट्टी, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, हम अपनी जान भी दे सकते हैं। भारत माता के हम सपूत है, अच्छे बेटे हैं, हाँ आज्ञाकारी बेटे हैं, तो हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। बच्चों अब हम आगे देखते हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए बच्चों, सदियां याने शताब्दी, श्रम याने मेहनत, पुरखे याने हमारे पूर्वज, अगणित याने अनगिनत जिनकी गिनती न हो, शिष्य याने सिर, रखवाले याने रक्षा करने वाले, पौरुष वाले याने पराक्रमी बलवान, और गौरव याने सम्मान। कभी यहाँ पे कहते हैं कि शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने हंसते हंसते अपने सिर कटा दिए हैं, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है, जिस भारत देश पर हमें गर्व है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत माता के हम बेटे हैं और सीना तान कर चलते हैं। अब आगे की पंक्तियां देखे हैं बच्चों, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखे बच्चों, निशान याने तिरंगा, अवसर याने मौका, बलिदान याने कुर्बान। युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, परंतु अपने तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे, हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते मिट जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, लेकिन अपने प्यारे देश पर कभी आंच न आने देंगे, हम बलिदान के मौके पर सबसे आगे रहते हैं, किसी भी हालात में पीछे नहीं हटते, और हम जीत हासिल करके ही रहते हैं, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं और गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अब बच्चों देखते हैं आगे की पंक्तियां,
जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए बच्चों, वीरत्व यानी वीरता, विवेक यानी अच्छे बुरे का ज्ञान, समर यानी युद्ध लड़ाई, गाथाएं यानी प्रशंसा, अनगिन यानी अनगिनत, कंठ यानी गला और गान यानी गीत। हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस वीरता से अच्छे बुरे का ज्ञान जानकर दुश्मनों का सामना करते हैं और आखिर में जीत हासिल करके ही रहते हैं, इसी वजह से गांव गांव, शहर शहर, घर घर में हमारी प्रशंसा के गीत अनगिनत कंठों से गाए जाते हैं और हमारी वीरता बलिदान के गीत भी गाए जाते हैं। भारत माता के हम बेटे हैं, गर्व से सीना तान कर चलते हैं। बच्चों, हमारे देश पर बहुत से दुश्मनों ने हमला किया, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनका डट कर मुकाबला किया। हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। ऐसे अनगिनत सैनिक है किनके नाम बताए, ऐसे वीर जवानों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों, आपको कविता का अर्थ समझ में आया? हाँ टीचर। हाँ, आपको कविता का अर्थ। हाँ टीचर। देखिए बच्चों, अब हम कविता का गायन सुनेंगे, एकाग्रता से सुनिएगा। चलते सीना त
बच्चों, तो आपको ये कविता गायन कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा टीचर। गायन करना है हमें, क्योंकि ये जोश पूर्ण है ना हमारा देशभक्ति पर गीत। हम आगे शब्दार्थ पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हाँ, वर्ण याने रंग, 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 हाँ, समता याने समानता, समानता, पुरखे याने पूर्वज, पूर्वज, विवेक याने भले बुरे ज्ञान, भरे बुरे का ज्ञान, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। मरुस्थल रेगिस्तान। एहसान याने उपकार। निशान याने झंडा। तिरंगा भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, समर याने लड़ाई। हाँ, रचकन याने धूलीकण। धूलीकण और गौरव सम्मान। सम्मान, सम्मान। बहुत अच्छे। गाथाए प्रशंसा और अनगिन अनगिनत कोई गिनती न हो। आप आगे देखते हैं बच्चों। अब इस कविता में एक ही मुहावरा था। हाँ, तो वो मुहावरा है पीना तान कर गौरव से चलना, गौरव से चलना, गौरव से चलना। अभी इसका हमें वाक्य बनाना है, तो हम क्या बना सकते हैं बच्चों? हम भारतवासी गर्व से चलते हैं क्योंकि हम भारतवासी हैं। अच्छा, और सीना तान कर चलना, दूसरे देश में जाकर सीना तान के चलते हैं क्योंकि भारत देश हमारा देश है करके हम लोग गर्व से चलते हैं। कोविड-19 को हराने के लिए हम गर्व से चलते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। हाँ, तो अभी मैं यहाँ का ही एक उदाहरण दे रही हूँ। हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हाँ, तो हम इसका उपयोग और अलग अलग भी वाक्यों में कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आगे अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम मुझे बताने हैं आपको। हा? तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा। हाँ, रुकिए। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। क्या है राष्ट्रीय ध्वज हमारा? तिरंगा। हाँ, देखिए, अब ध्यान से देखिए बच्चों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरा केशरीय रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केशरीय रंग देश की ताकत और साहस दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देते हैं। हरा रंग देश के शुभ विकास और हरियाली को दर्शाता है। देखिए, अब दूसरा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गान। पता है बच्चों आपको? बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, जन गण मन।
अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सुनते हैं। 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये गीत लिखा गया था। संपूर्ण गीत गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। कितने कितना सेकंड लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। हाँ, तो बच्चों अब आगे देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है बच्चों? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को मान्यता प्रदान की गई थी। अब आगे देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु पता है बच्चों आपको? मोर मोर है मोर है मोर मोर टाइगर 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 क्या बोलते हैं हम? बाघ। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाघ। हाँ, बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। मजबूती और अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण और उसमें तेज स्फूर्ति होती है, इसी कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। बच्चों अब आगे देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। यह पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दर्शाता है। हम देखते हैं राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हॉकी में भारत का प्रदर्शन 1920 से 1950 तक के दशक के दौरान अभूतपूर्व, इसीलिए इस खेल को देश में राष्ट्रीय खेल के रूप में स्वीकार किया गया। हॉकी आज के समय में खेले जाने वाले सबसे प्राचीन खेलों में से एक है। अभी बच्चों आगे देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष यानी क्या? वृक्ष यानी पेड़। तो कौन सा है बताइए, पता है आपको? वड। हाँ, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बरगद का पेड़। हाँ, देखिए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष
बरगद का पेड़ है। हाँ, जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म और जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े सजीव निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। बच्चों अब आगे देखते हैं हमारा राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल आम। सही है, आम को सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। भारत में आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती है। इसमें यानी प्रकार आम विटामिन ए सी तथा डी का एक समृद्ध स्रोत है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय फूल। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है बच्चों? कमल। 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 चित्र में भी दिखाई देगा। हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। यह ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु और सुंदरता को भी दिखाता है। इसका उपयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा राष्ट्रीय जलचर कौन है? मगर। अच्छा, मगर नहीं है। पक्षी, व्हेल, मछली, कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन वहां पे। डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन मराठी में क्या बोलते हैं? देवमासा। क्या बोलते हैं? हाँ, देवमासा। हाँ, तो ये डॉल्फिन है, तो इसको राष्ट्रीय जलचर के रूप में अंगीकृत किया गया है। हाँ, यह मछली है। यह पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकता है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना गया है। अब हमारी राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? राज मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा यानी हमारा चलन क्या है? हमारे भारत देश का चलन क्या है? रुपया। भारतीय रुपया भारतीय गणतंत्र की अधिकारी मुद्रा है। मुद्रा जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इसे जारी किया गया था। बच्चों अब आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह तीन वाग। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था। जब भारत गणराज्य बना तो अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की विजय होती है। अब हम देखते हैं सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार।
अशोक चक्र भारत रत्न भारत रत्न भारत रत्न भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान कला साहित्य खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करते हैं उन्हें मेडल दिया जाता है। तो बच्चों आपको कविता का गायन कविता का अर्थ समझ में आया? हाँ टीचर। देखिए अभी ध्यान से सुनिए। तो आपको स्वाध्याय में शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरा लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है, राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखने हैं, और स्वाध्याय में यदि आप सैनिक होते तो अपने देश के लिए क्या करते, यह अपने शब्दों में आपको ना है। आपको कविता गायन करके हाँ उसका ऑडियो या वीडियो अपने सातवीं कक्षा की ऑनलाइन ग्रुप पर भेजना है। हाँ तो आपको राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी पता चला बच्चों? थोड़ी हाँ टीचर। हाँ टीचर। हाँ टीचर। तो आपने सभी सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। आप इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद बच्चों। फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। बाय टीचर। ओके बाय टीचर।